में प्रस्तुत किया गया, और कुछ नाटक जो मेरे उनको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, इसमें से संयोग है कि सुशीला जो संस्कृत में लिखा गया उसका हिंदी अनुवाद कई बार खेला गया, भारंगम में हिंदी अनुवाद उसका खेला गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाट्य समारोह है, और इलाहाबाद में 40-50 प्रस्तुतियाँ उसकी हुई, कई जगह हुई। करण जी ने मेरा नाटक कई बार खेला, नंदमयंती, देवेंद्र राज अंकुर ने हिंदी के मेरे नाटक खेले, तो वो हिंदी और संस्कृत में समानांतर रूप से ही मैं लिखता रहा, और कभी कभी हिंदी में ज़्यादा लिखा। एक एक दौर था सन 70 से लगा करके 80 के बीच का, जिसमें हिंदी में शायद मैंने कथा साहित्य अधिक लिखा, तो वह धर्मयुग में मेरी 8-10 कहानियाँ, शायद 8 के लगभग कहानियाँ छपी, नवनीत पत्रिका अच्छी थी उस समय, और नारायण दत्त उसके संपादक थे, जो बहुत एक एक वाक्य बड़ी बारीकी से पढ़ के और पत्र लिख कर के विचार करते हुए, अभी भी उनके पत्र आते हैं, हालांकि अब वो बेंगलोर में रहते हैं, वो वृद्ध हो चुके। सारिका है, नवनीत है, और भी कई पत्रिकाएं। पहली कहानी मेरी मार्च 1971 में अमृत राय ने नई कहानियां में हिंदी में छापी थी, प्रेमचंद के बेटे हैं, अच्छी पत्रिका उस समय की मानी जाती थी कहानी की, तो और कुछ उपन्यास मैंने लिखे, ये हिंदी में कहानी संग्रह मेरे प्रकाशित हुए, 3 कहानी संग्रह, उपन्यास प्रकाशित हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि काहे को हिंदी में लिखें हम तो संस्कृत से पैदा हुए, संस्कृत में रमे, हमारे तो संस्कारों में संस्कृत है, और हिंदी में ही कितने पढ़ने वाले हैं, वो क्या बचेगा, वो कौन हिंदी में कितना क्या हो जाएगा लिखने से, तो फिर संस्कृत में जो संभावनाएं संस्कृत में मेरे लिए संभव, मेरे लिए हो सकती थी, मुझे लगा कि वो वहाँ नहीं है, उन पर मैं कुछ बात करने का प्रयास करूँगा। बाकी जो मुझे अपनी रचनाएं अभी भी अच्छी लगती, मेरी बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो कि दूसरे लोगों को अच्छी लगती हैं, जैसे प्रेम पीयूषम नाटक, तो जब मैं एमए में था उसमें मैंने लिखा था, भवभूति से मैं बहुत प्रभावित था, मिल्टन का थोड़ा बहुत जो कविता पढ़ी उससे मैं प्रभावित हुआ, तो मैंने बीए में जब मैं था तो मिल्टन एंड भवभूति इस शीर्षक से अंग्रेजी में एक लेख लिख मारा, और उसमें उस कॉलेज की पत्रिका में छपा, तो उसके प्राचार्य जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे बड़े उससे खुश हुए, उन्होंने बुला करके मुझसे कहा कि इस तुम्हारे इस लेख से हम खुश हुए हैं, इस तरह से उन्होंने कहा था जैसे बहुत कठोर मुद्रा में नाराज होकर के, क्योंकि मुद्रा ही ऐसी